देवास जेल में कैदियों से अवैध वसूली और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि जेल में बंद वीरेंद्र नामक कैदी से 50,000 रुपए की मांग की गई थी। पैसे नहीं देने पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। वीरेंद्र के परिजनों ने बताया कि जब वह जेल में मुलाकात करने गए तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने आनंद नामक मियादी से संपर्क किया। आनंद ने 50,000 रुपए की मांग की और कहा कि पैसे नहीं दिए तो कैदी को जेल में बंद रखा जाएगा और उसे खाना भी नहीं दिया जाएगा। परिजनों ने मजबूर होकर 20,000 रुपए दिए, जिसके बाद उन्हें वीरेंद्र से मिलने दिया गया। मुलाकात में वीरेंद्र ने बताया कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने जेल प्रशासन और कलेक्टर से शिकायत की है। सूत्रों की माने तो देवास जिला जेल में पैसों का खेल बड़ा चल रहा है। कैदी अपनी सुरक्षा के लिए मोटी रकम देते हैं। जेल में कई ऐसे लोग भी घूमते रहते हैं जो कैदियों से पैसे वसूलते हैं। इस मामले में जेल अधीक्षक की चुप्पी सवालिया निशान खड़े कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि आनंद नामक जेल मियादी लंबे समय से जेल में है और वसूली का खेल उसी के इशारे पर चलता है। यह घटना जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाती है। जरूरत है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। परसों के दिन हमारे भैया वीरेंद्र प्रताप सिंह चौहान को यहाँ पे देवास लाया जेल लाया गया था। 34(2) की धारा लगी हुई थी उनके ऊपर। अब उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला तो हमको पहले दिन जब यहाँ मुलाकात लेने आया तो मुलाकात नहीं दी गई। फिर यहाँ से गेट पे से बताया गया कि भैया की जो पैसे की डिमांड है, पैसे की डिमांड के बाद ही तुम्हारे को मुलाकात दी जाएगी और उनको सेल में डाल दिया जाएगा। किस व्यक्ति ने पैसे की डिमांड करी और क्या बात? आनंद नाम के एक व्यक्ति ने पैसे की डिमांड करी। फिर मैंने उससे 50,000 रुपए की डिमांड करी। मैंने बोला 50,000 की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं शाम तक भैया आपको लाके कर दूंगा। फिर भी दोपहर में लॉकअप होने के बाद इनने उसको भैया को 20 में से निकाला, वहाँ लॉकअप में से निकाला, बीसी के अंदर ले गए और 4-5 लोगों ने मारपीट करी। क्या नाम है उनके? एक आनंद, सुरेश, चार पांच लड़कों ने मारपीट करी। ये लोग कौन है जिन्होंने मारपीट की? ये वही के लोग हैं, अंदर मियादी लोग हैं जो पैसे की सेटिंग वगैरह करते हैं। आपने कितने पैसे दिए? फिर आके शाम को मैं आया और शाम को मेरे को नहीं पता इस घटना में क्या हुआ। फिर शाम को मैंने 20,000 रुपए दिए। इन्हें बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद फिर सुबह अभी देखा उसको चोट के निशान है, उसको मारपीट करी उसका। अभी आपकी मुलाकात हुई? हाँ, उसकी मुलाकात हुई। बताया उन्होंने किस तरह से? उसको 3-4 जगह चोट के निशान है, उसने बताया लोकअप में से। उसको फिर बीसी मिले गए लोकअप होने के बाद दोपहर में। इसकी किसी को उच्च अधिकारी को शिकायत की आपने? अभी किसी को शिकायत नहीं करी। अब मैडम से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ हमारे भाई के साथ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं उसका मेडिकल हो, मेडिकल हो, मेडिकल हो, 4-5 लोग जो उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये जो पैसे लेने देने वाली जो बात है, क्या यहाँ पे ये पैसे लेके काम किया जाता है? पैसे ले? मुझे तो ये बताया गया है कि सेल में ही डाल के रखेंगे, जब तक पैसे नहीं तो बाहर नहीं निकालेंगे। खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। पहले कई शिकायत भी हुई है? आनंद नाम के लड़के ने मेरे से रुपए लिए, मैंने उसको रुपए दिए सामने वाली खिड़की में से। चलिए, मेरे को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन हाँ, कुछ गंजियों का आपस में, एक दो गंजियों का आपस में कुछ विवाद हुआ था, उसकी जाँच कर रहे हैं। जैसी भी जाँच आएगी फिर बताएंगे। एक बंदी का नाम लिया जा रहा है, आनंद नाम का है, आनंद का, और उसको बताया जा रहा है कि वो यहाँ जेल प्रशासन के लिए वसूली का काम करता है। भैया ये तो कोई भी आरोप कुछ भी लगाएगा, उसके बारे में मैं क्या बोलूँगा? कोई जांच वांच करेंगे? जाने जहाँ कोई जांच तो करेंगे। जेल अधीक्षक सामने क्यों नहीं आ रही है? जेल अधीक्षक का सामने नहीं आ रही है। मैं हूँ तो क्या आपको क्या लग रहा है? अच्छा, ये बताइए जो आरोप लगाए इस पर कोई मेडिकल वगैरह होगा अभी? नहीं, वो तो जांच करेंगे ना, जो भी जांच में जो भी जरूरी चीजें होंगी वो सारी जांच में होगी। तो मेडिकल भी तो सबसे प्रारंभिक होता है। मैं क्या बता रहा हूँ आपसे कि भाई जो भी मेडिकल हो या कुछ भी हो, जैसी भी जांच में जो भी आवश्यकता होगी वो सारी चीजें होगी। नहीं, ये खबर है कि वीरेंद्र प्रताप को चोटें आई है, आपने देखा? आप, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो भी चीज की होगी मारपीट जांच करेंगे, भाई उसकी जांच करेंगे, देखेंगे, जैसी आवश्यकता होगी ऐसा कार्रवाई होगी। मारपीट तो हुई है, ये लोग मिलने गए थे बता रहे हैं। भाई मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं भी तो आपको बता रहा हूँ ना कि भाई जो भी होगा। बड़ी लापरवाही जेल के भीतर जो इस तरह, ये आपका सोचना है, मैं आपके शब्द मेरे मुँह में क्यों ले लूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल इंडिया।